हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का 7 बज रहा है। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि पटना मेट्रो का सबसे स्पीड में यू गर्डर लॉन्चिंग किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, जो कि आप देख सकते हैं, पटना मेट्रो का पिलर संख्या 105 और 106 पर भी यू गर्डर का सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कर लिया गया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि अभी तक जो है पटना मेट्रो का पिलर संख्या 92 से लेकर 106 तक जो है यू गर्डर का लॉन्चिंग का काम जो है सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया गया, यानी पूरा कर लिया गया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, भूतनाथ मेट्रो स्टेशन के एरिए से लेकर आपको भागवत नगर जो कि रोड है उसके पास जो है आपको पूरी तरह से सफलतापूर्वक जो है ये लॉन्चिंग यू गर्डर का कर लिया गया है। फ्रेंड, जैसा कि ये पटना मेट्रो की सबसे बड़ी और सबसे बड़ा लेटेस्ट अपडेट जो आपको मैं दे रहा हूं। फ्रेंड, तो ये पटना मेट्रो की भागवत नगर अभी तक जो है 105 और 106 पर भी सफलतापूर्वक जो है यू गर्डर का आज सुबह में लॉन्चिंग का काम जो है कम्प्लीट कर लिया गया है। फ्रेंड, तो फ्रेंड पटना मेट्रो जो अपनी स्पीड जो है काफ़ी जो है तेज़ी से चलाया जा रहा है, क्योंकि कामों में आपको रफ्तार जो है काफ़ी स्पीड दिखने लगा है, क्योंकि आपको एक एक दिन में दो दो यू गर्डर का लॉन्चिंग का काम किया जा रहा है। फ्रेंड, जैसा कि आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, तो फ्रेंड बता दूँ कि अभी तक जो है पटना मेट्रो का जो है 28 यानी कि 28 यू गर्डर का सफलतापूर्वक जो है लॉन्चिंग किया गया है। फ्रेंड्स, और अब जो है नेक्स्ट जो 29 यू गर्डर का भी प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। जैसा कि आप जेसीबी देख सकते हैं, क्रेन भी देख सकते हैं, सेटअप करना शुरू कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नया लेटेस्ट अपडेट के साथ एक नई जगह पर। तो जय हिंद, जय बिहार।